हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। सो आज हम चैप्टर 4 का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। ओके, इस लेक्चर में से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का कंक्लूजन देखते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज, ठीक है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल, सपोज़ ये चार्ज पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है। ये सपोज़ दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे ये इंटर करता है, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? क्यू वी वी साइन थीटा। मींस फोर्स कितना लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी चार्ज वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। तो जहाँ पर क्या होता है, थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कशन किया, और इसी के बेस पे हमने लॉरेंज फोर्स को डिस्कस किया था। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स और आपका इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का सम ही क्या होता है? लॉरेंज फोर्स। तो नेक्स्ट है कि अगर हम किसी चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब करेंट, आपका कोई भी कंडक्टर हो जिसमें करंट पास कर रही हो, ठीक है। सपोज़ ये कंडक्टर है, अब इसमें करंट आई पास कर रही है। आई करंट पास करने का मतलब ये है कि करंट का मतलब है कि यहाँ पे कोई चार्ज मूव कर रहा होगा। मीन्स इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही? करंट हो रही। अब इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम प्लेस करते हैं तो इस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो सो इस लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, देन अब नेक्स्ट टॉपिक इसको हम स्टार्ट करते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ रखी हो? मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, तो उस पर क्या लग रहा? फोर्स लग रहा। अब इस फोर्स को हम यहाँ पे देखेंगे किस डायरेक्शन में लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, देन सपोज दैट ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है कि हमने एक कंडक्टर प्लेस कर दिया, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये है। और इसमें इसकी जो लेंथ है, ये सपोज करते हैं यल लेंथ है, ठीक है। और दूसरी चीज़, क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी कितनी है? ए है। और इसमें करंट पास हो रही है आई। इस कंडक्टर में ये करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स करंट इसकी क्या है? आई है। इसकी लेंथ यल है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने इसके डिसाइड कर दिया। अब इसमें देखते हैं कि कैसे इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक होता है कि जब भी किसी भी कंडक्टर में करंट पास करे, इसका मतलब क्या आ रहा है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं। तो आपको पता है जब भी करंट किसी कंडक्टर से पास होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेगा? मूव करेगा। और जब ये मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब एक तरीके से हम यहाँ पे कंडक्टर आप छोड़ दो, तो कंडक्टर को आप यहाँ पे नेगलेक्ट करके आप देखिए कि ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? चार्ज क्या कर रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और अगर चार्ज मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या लगता है वहाँ पर? फोर्स लगता है, ठीक है। तो हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर अगर यहाँ पर फोर्स देखें, तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? फोर फिंगर की डायरेक्शन में, सोमैटिक फील्ड इनवर्ड। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? ये करंट की वैल्यू, सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है ये। और ये क्या हो गया? तो ये फोर्स रिप्रेजेंट करेगा। तो बिकॉज ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के जस्ट अगर हम यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन लेंगे, इसकी अपोजिट लेंगे। ओके, तो अपोजिट लेने का मतलब, बिकॉज ये जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे थे, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव पार्टिकल है, तो इसलिए हम उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को हम यहाँ पे लेंगे। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, तो हम इसके जस्ट अपोजिट वेलोसिटी की डायरेक्शन लेंगे। मीन्स ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये क्या हो गया आपका? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया, परपेंडिकुलर
इनवर्ड, देन फोर्स कहाँ लग रहा, अपवर्ड। तो इस कंडक्टर पे क्या, इस चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, या मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर हम यहाँ पे कह देते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे ये एफ डैश लग रहा है, इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, एक फॉर्मूले से क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ये होता है। तो एक्चुअली में बच्चों क्या है, ये आप देख सकते हो कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर ये थीटा एंगल पे होते तो यहाँ पे थीटा आ जाता है आपका, बिकॉज हम जनरल फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए इसलिए हमने ये परपेंडिकुलर रख के आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंडक्टर परपेंडिकुलर ही रहेगा, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है किसी थीटा एंगल पे भी है तो भी यहाँ पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हम जनरल लिख लेते हैं थीटा एंगल के लिए, तो थीटा एंगल के लिए क्या हो जाएगा, इस पर फोर्स जो लगेगा उस इलेक्ट्रॉन जो उसके करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है मूविंग इलेक्ट्रॉन, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, एफ एम इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी वी साइन थीटा। तो स्पेशली इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम करें तो सपोज करते हैं कि इस पर फोर्स की वैल्यू क्या है, एफ डैश है, एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होगा, ई इंटू वेलोसिटी कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बी की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, देन एंगल अगर सपोज दैट कितना है थीटा है, तो हम लिख सकते ई वी डी बी साइन थीटा, ओके। देन नेक्स्ट, तो ऐसे यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर हम ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, स्मॉल एन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल एन होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो फोर्स होगा, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर, उसकी वैल्यू हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है, मीन्स एफ डैश एम लग रहा है। तो अगर टोटल उस कंडक्टर में कितने एन इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन, हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इस कंडक्टर के, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप कहोगे एन है तो ये फोर्स क्या होगा, एन टाइम्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड सब पे सेम है, तो फोर्स भी सब पे क्या लगेगा, सेम डायरेक्शन लगेगा, मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन पे ऐसे अपवर्ड फोर्स लगेगा, ऐसे ये। तो ये सारे फोर्स का अब अगर हम रिजल्टेंट देखें तो ओवरऑल इस कंडक्टर पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे, मीन्स अगर एन इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ द एफ डैश एम, मतलब जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का फोर्स है ये क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स के लिए इसका एन टाइम्स हो जाएगा, ओके। मीन्स दो इलेक्ट्रॉन है तो टू टाइम्स फोर्स, थ्री है तो थ्री टाइम्स फोर, देन एन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन एफ डैश एम, मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन के फोर्स का क्या हो जाएगा, एन टाइम्स, ओके। देन अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, एफ इक्वल टू, यहाँ पे हमें इसकी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसे इक्वेशन नंबर वन कर देते हैं, इक्वेशन नंबर वन। तो यही क्या है, फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके। तो फोर्स की वैल्यू के लिए सबसे पहले एन हम फाइंड करते हैं, तो एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हमें जैसा कि पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एन अपान बी, आपको ये फॉर्मूला पता है, ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या करें, उसके कंडक्टर के वॉल्यूम जो है उससे क्या करें, डिवाइड कर दें। तो कंडक्टर के जो वॉल्यूम अगर हम निकालना चाहें तो ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो इसका बेस का एरिया हम देख सकते हैं कितना है, बेस का एरिया ए लिया हुआ हमने, तो ए एरिया है, एंड लेंथ कितनी है, एल है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एन अपान वॉल्यूम लिख सकते हो आप, ए इंटू एल, ये लिख सकते हो आप। देन यहाँ से आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगी स्मॉल एन ए एल, ये हो गई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पता चल गया, और एफ डैश की वैल्यू मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है ये भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। देन इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ डैश एम एंड कैपिटल एन, मीन्स
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन में ये दोनों वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, एक वैल्यू ये और दूसरा ये, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। एफ डैश की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, और एन की वैल्यू कैपिटल एन मीन्स नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे यहाँ पे। देन टोटल फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी एफ इक्वल टू मीन्स फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू द एन इन टू, एन की वैल्यू हमने पुट किया कितनी है एन ए एल, ये हो गई एन की वैल्यू। उसके बाद एफ डैश की वैल्यू कितनी है, एफ डैश की वैल्यू यहाँ पे है ई वी डी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा ये हो गई, इसकी वैल्यू हमने रख दिया। ठीक है, तो एफ की वैल्यू जो आ जाएगी, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो बच्चों, तो यहाँ पे एन के साथ ई रख लिया हमने, ये सब सबका मल्टीप्लाई हो रहा, तो हम बस ये इसके साथ एक साथ कर रहे हैं, एन ई ए वी डी, एन एन हो गया ये, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज एरिया एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी एक साथ कर लिया हमने। उसके बाद क्या बचा, एल बी साइन थीटा। ओके, देन नेक्स्ट एफ इक्वल टू, अब हमें क्या पता है, यहाँ पे एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन, तो मीन्स इसकी करंट अगर यहाँ पे आई हमने रिप्रेजेंट कर रखी है, तो इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच आपने रिलेशन पढ़ा था चैप्टर थ्री में। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या था, बिकॉज वी नो दैट द आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था करंट आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ओके, देन इसी फॉर्मूले को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ भी है एन ई ए वी डी, तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, देन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे आई, ये पूरा क्या हो गया, यहाँ पे आई हमने पुट कर दिया, देन आई पुट किया तो क्या हो जाएगा ये आई, और फिर यहाँ क्या बच रहा है एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, तो ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स किसी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखते हैं, तो वहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी आई एल बी साइन थीटा, जहाँ पे आई क्या उस करेंट कैरिंग कंडक्टर की करेंट है, और क्या है एल क्या है लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, एंड बी क्या मैग्नेटिक फील्ड वेयर द करेंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड, एंड एंगल थीटा, थीटा क्या यहाँ पे एंगल बिटवीन द करेंट डायरेक्शन ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जैक्ट फिगर बनाएं तो आप इस तरीके से डेरिवेशन नोट कर सकते हो। ओके, देन इसका अगर एग्जैक्ट फिगर हम बनाएं, सपोज करिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया ये कंडक्टर प्लेस कर दिया, तो आप देख सकते हो कि ये इसमें करंट मान लेते हैं इस तरफ आई ऐसे मूव कर रही है आई, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, आप कहोगे ये थीटा होगा। ठीक है, स्पेशली हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, इसलिए हमने क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो क्या है करंट के परपेंडिकुलर ले रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप फोर्स की डायरेक्शन को आपको दिखाई दे जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप फोर्स की डायरेक्शन अगर निकालना चाहोगे तो आप फिर से वहीं पे करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका फोर फिंगर, देन करंट की डायरेक्शन में आपका हो सक जाएगा ये देख सकते हो आपकी कंडक्टर की करंट की डायरेक्शन, देन थंब किस तरफ आ रहा इनवर्ड, मतलब फोर्स क्या लगेगा इनवर्ड ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, तो इनवर्ड फोर्स को हम रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने ये फिगर ड्रॉ किया, तो एक्चुअल फिगर आपका ये होगा, जिसके लिए आपका फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, इस पर जो टोटल फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आई बी एल साइन थीटा। ओके, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं कि कब ये फोर्स मैक्सिमम होगा, कब ये मिनिमम होगा।
देन बच्चों केस वन, ठीक है। केस वन क्या है कि जब ये कंडक्टर, सपोज़ ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड बी में कंडक्टर जो है इसी के पैरेलल रखा हो, ठीक है। तो पैरेलल जब रखा होगा तो करंट या तो आपके इसी के डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही होगी आई, या ये हो सकता है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। तो अगर इसके डायरेक्शन मूव करेगी तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। अगर करंट जो है इसके अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगी तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। तो मीन्स जब भी कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा होगा तो आपका जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल हो सकता है 0 हो या 180 हो। तो दोनों केस में यहाँ पे हम देख सकते हैं यफ की वैल्यू क्या होगी, यफ की वैल्यू हो जाएगी आई बी एल साइन 0। अब साइन 0 जैसे ही रखोगे, साइन 0 की वैल्यू 0, सो टोटल फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज 0। और अगर हमने क्या किया, 180 रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बी एल साइन 180, और साइन 180 की भी वैल्यू क्या होती है, 0। तो सो ओवरऑल ये 0 होगी। मीन्स केस फर्स्ट में हम ये देख रहे हैं कि अगर आपने पैरेलल कोई भी कंडक्टर रखा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, तो वहाँ पे फोर्स हमेशा क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन दैट कंडक्टर इज 0। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कि आपका करंट कैरिंग कंडक्टर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जब भी रखा होगा, केस टू में देखते हैं, केस टू तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, देन आपको पता है साइन की वैल्यू उस केस में क्या होती, मैक्सिमम। सो यफ बराबर आई बी एल साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, सो इस समय फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम कितनी, आई बी एल, ये हो गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले की हेल्प से एक्चुअली में हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट एंड डायमेंशन भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक आपने देखा होगा इतने लेक्चर हमने कंप्लीट किया, बट इसकी हमने यूनिट एंड डायमेंशन अभी तक डिफाइन नहीं किया। तो बिकॉज इसी फॉर्मूले से हम डिफाइन करते हैं, तो सो हम अभी देख लेते हैं कि इसकी यूनिट एंड डायमेंशन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे देखते हैं यूनिट ऑफ बी, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें एक फॉर्मूला अभी हमने जस्ट पढ़ा हुआ है, एफ इक्वल टू आई बी एल। अब यहाँ पे साइन थीटा से हमारा कोई भी यूनिट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मीन्स हम नॉर्मली हम फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई बी एल लिख सकते हैं, मीन्स फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इक्वल टू हो जाएगा एफ अपान आई इंटू एल। तो अब इसकी यूनिट अगर लिखना चाहें तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन, यहाँ से हो गई आपकी एम्पियर इंटू मीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसी को बोला जाता है टेस्ला। इसी को कंबाइनली क्या नाम दे दिया गया, एक सिंगल नेम दे दिया गया साइंटिस्ट के नेम पे, टेस्ला। टेस्ला जिसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट जो है ये क्या होगी, टेस्ला होगी। ओके, देन अब इसकी हम डायमेंशन देखते हैं कि डायमेंशन क्या हो सकती है। तो अगर इसका आपका डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए अब आप देख सकते हो इसी फॉर्मूले में फिर से हम लिखेंगे यफ बराबर आई बी एल। तो यहाँ से b इक्वल टू यफ अपान आई इंटू एल। अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लिख रहे हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन सबसे पहले। तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू बाई करेंट i है, i का डायमेंशन क्या होता है, a, देन l लेंथ ऑफ द एट वायर, देन इसकी हो जाएगी l हो जाएगी डायमेंशन। ओवरऑल इनको सबको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू जो आएगी m, देख सकते हो सिंगल m है, देन l यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे l, ओके, देन l तो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद t क्या है, t माइनस टू, या ऐसे भी लिख सकते हो आप l जीरो, l जीरो हो गया। उसके बाद क्या हो गया, t माइनस टू a माइनस वन। तो
तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम इसके मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट एंड डायमेंशन को डिफाइन करते हैं। देन नेक्स्ट, ओके बच्चों, देन नेक्स्ट टॉपिक क्या होगी, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। मींस दो आपके करंट कैरिंग कंडक्टर हो जिनकी लेंथ क्या इनफाइनाइट लेंथ की करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और दोनों एक दूसरे से पैरेलल प्लेस्ड हैं, देन उनके बीच फोर्स क्या लगेगी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वनली सिंपली आप देखो फिर से यहाँ पे हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये हमने प्लेस किया जिसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, सपोज आई वन प्लेस कर रही है, फ्लो कर रही। उसके बाद सेकेंड जो है इसी के पैरेलल हमने दूसरा कंडक्टर यहाँ पर प्लेस किया, ये तो आप पैरेलल हैं, देन इसमें करंट जो फ्लो कर रही है आई टू फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे और कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है और इनके बीच की सेपरेशन सपोज दैट ये सेपरेशन डी है, इन दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच जो पैरेलल हैं तो इनका गैप जो है कितना है, डी है। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इन दोनों पे कैसे एक दूसरे पे ये फोर्स लगाएंगे, ठीक है, मीन्स एक कंडक्टिंग वायर दूसरे पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप देखते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक ये है। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि करंट कैरिंग जो ये कंडक्टर आई वन है इसके वजह से क्या होगा, इसके सराउंडिंग में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, ओके। तो ये यहाँ से डी डिस्टेंस पे दूसरा, इसको आर ले लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या है, आर डिस्टेंस पे दूसरी कंडक्टर है। तो यहाँ से आप सोचो ये कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, इसके वजह से ड्यू टू दैट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से r डिस्टेंस पे यहाँ पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहें, इस पर पॉइंट एक ले लेते हैं a और यहाँ एक पॉइंट है ये b, आप पी क्यू ले लेते हैं, p एंड q ये पॉइंट है, ठीक है। तो p करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है ये पूरी a, इस करंट कैरिंग कंडक्टर वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड q पॉइंट पे होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, सबसे पहले किस डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस हो रहेगी ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, ऐसे इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आप देख सकते हो ऐसे ही होती ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे फिर आप कहोगे और बड़ी, इस तरीके से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसकी प्रोड्यूस हो रहेंगी इस करेंट कैरिंग कंडक्टर, तो जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर कितनी होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर। तो B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपान टू पाई, डिस्टेंस कितनी है R, टू पाई R। जैसा कि आपको हमने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में ही कि कोई भी करेंट कैरिंग कंडक्टर जो कि इनफाइनाइट लेंथ रखती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, म्यू नॉट आई अपान टू पाई R, ओके। देन तो मैग्नेटिक फील्ड हमें श्योर हो गया कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर, फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर, या इसको हम ले लेते हैं यक्स, ये है वाई, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी वन प्रोड्यूस हो रहा है, बी वन की वैल्यू म्यू नॉट आई टू पाई आर। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की अब डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग थंब क्या किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, देन हमारी फिंगर्स क्या बता रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो आप यहाँ पे करंट किस तरफ जा रही है, अपवर्ड, सो आपने अपवर्ड किया कि थंब रखा, देन हमारी जो उंगलियाँ हैं ये फिंगर्स हैं ऐसे घूम रही हैं, ठीक है, ऐसे, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगी। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगी तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगी, इनवर्ड, तो ऐसे सर्कल बना रही होगी, तो यहाँ से इंटर कर रही होगी, फिर ऐसे पीछे से घूम के ऐसे आ रही होगी। तो आप कहोगे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी वैल्यू जो होगी, अब यहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं, ओके, देन ये इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी इस पी पॉइंट की, सॉरी पी एक्स कंडक्टिंग वायर की वजह से। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी वन हमने फाइंड आउट किया, बी वन फाइंड आउट किया, बी वन की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन इसको ऐसे दिखाते हैं क्रॉस से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस मीन्स परपेंडिकुलर ऐसे इनवर्ड होगी, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
अब ये परपेंडिकुलर इनवर्ट जब ये हो रही होगी तो इसका मतलब ये सेकेंड वायर आप देख सकते हो ये कहाँ पे होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बी वन मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, एक आई टू करेंट कैरिंग वायर प्लेस्ड है जिसमें करेंट कितनी फ्लो कर रही है, आई टू करेंट फ्लो कर रही है, और कहाँ पे प्लेस है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी वन जो कि इसका फर्स्ट वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पे सेकेंड वायर जो है प्लेस्ड है। तो आपको पता है सिंपली कि अगर भी कोई भी करेंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर कहाँ पे रखी हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है तो हम यहाँ पे फोर्स भी निकाल लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है, फोर फिंगर को आप कहाँ रखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करेंट की डायरेक्शन में आप रखोगे। ये थोड़ा सा स्किप हो गया, जब हमने अभी जस्ट प्रीवियस टॉपिक जो आपको पढ़ाया उसमें हमने क्या बताया कि किसी भी करेंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लगता, फोर्स। तो फोर्स उसकी किस डायरेक्शन में लगी, उसके लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। क्या है, इसके करेंट की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में फोर फिंगर, देन करेंट की डायरेक्शन में आप मिडिल फिंगर रखोगे, देन थंब आपका क्या बताएगा उस समय, फोर्स की डायरेक्शन। तो आप इस तरीके से, तो यहाँ पर आप अप्लाई करके भी देख लेते हैं। देन मैग्नेटिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर इनवर्ड है यहाँ पे, तो सो हमने क्या किया, इसको अंदर की ओर रखा, और करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो आप ये देख सकते हो इस तरीके से, करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर देखिए हमने रखा, मिडिल फिंगर क्या अपवर्ड है। अब ये फोर फिंगर इधर नहीं होगा, क्या होगा, इनवर्ड होगा, ये हो गया इनवर्ड। तो इनवर्ड आपने जैसे ही रखा, देन आपका फोर्स किस तरफ आ रहा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स आपके इस डायरेक्शन में आएंगे, तो जिसकी वजह से फोर्स आप कहोगे जो लग रहा होगा इस पर, इसको हम बोल देते हैं एफ वन फोर्स लग रहा है, बिकॉज ये फर्स्ट वायर के थ्रू लग रहा है, तो एफ वन फोर्स इसको बोल देते हैं। तो एफ वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ वन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो यहाँ पे आई पहले करंट रखते हैं, तो एफ वन फोर्स किस पे लग रहा है, इस कंडक्टिंग वायर पे जिसमें करंट कितनी है, आई टू करंट है, तो इसकी करंट हम लिखेंगे आई टू। उसके बाद यहाँ पे बी आई बी एल साइन थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है जहाँ पे ये कंडक्टिंग वायर है, ये वाई पे निकाल लें ना हम, तो वाई पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा है, बी वन, तो ये रखेंगे बी वन। उसके बाद जो है आई बी एल, एल मतलब लेंथ, सपोज करते हैं कि इसकी लेंथ एल है यहाँ पे, ठीक है, तो एल लेंथ के लिए कर रहे हैं, तो एल साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होती है, करेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो करंट आप देख सकते हो अपवर्ड जा रहा और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी तो इसका मतलब 90 डिग्री यहाँ से, तो एफ वन की वैल्यू आपकी आ गई। अब ये बी वन मैग्नेटिक फील्ड है, मीन्स करंट कौन सी, आई वन करंट की वजह से, ये जो बी वन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो इसकी किसकी वजह से, आई वन करंट कैरिंग कंडक्टर की वायर की वजह से, तो यहाँ पे आई वन लिख दिया। तो भी ये हम अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई टू ऐसे ही रहेगा, B1 की वैल्यू इस इक्वेशन से हम इसमें पुट कर देंगे। तो जैसे ही इसको पुट किया हमने, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 वन पाई टू पाई आर इंटू एल साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ओके। देन हमारी F1 की वैल्यू आ गई, तो F1 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे अगर हम फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ निकालें, इस कंडक्टर वायर पे ये टोटल फोर्स एफ वन लग रही, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि पर यूनिट लेंथ पे कितनी लग रही है, तो पर यूनिट लेंथ के लिए क्या करते हैं हम लोग, यल से डिवाइड कर देते हैं। तो फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, सपोज ये लग रही एफ वन, इसको एफ वन डैश कर लेते हैं, मीन्स टोटल लेंथ पे क्या कर रही है, एफ वन डैश लग रही है फोर्स। देन फोर्स ऑन ओनली यूनिट लेंथ पे कितनी लगेगी, तो यूनिट लेंथ पे आप कहोगे एफ वन लगेगी, एफ वन की वैल्यू क्या होगी, एफ वन डैश बाई यल से डिवाइड कर देंगे। जब आप यल से इसको डिवाइड करोगे तो यल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यल से आप दोनों साइड में डिवाइड कर दो, मीन्स यल से डिवाइड करने पे यल कैंसिल, देन यही एक्सप्रेशन बच जाएगा, मीन्स इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान टू पाई आई वन आई टू आई वन आई टू बाई आर, ये हो गया डिस्टेंस म्यू नॉट अपान टू पाई आई वन आई टू अपान आर, ये हो गया फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑन द सेकेंड कंडक्टर, मीन्स वाई कंडक्टर, उस पर फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। एकदम सेम प्रोसीजर फिर से हम फॉलो करेंगे किसके लिए, फर्स्ट वायर के लिए, ठीक।
तो ये सेकेंड वायर का आपको क्लियर हुआ होगा कैसे, फिर से देखते हैं। फर्स्ट वायर है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है, उस मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंड वायर आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ने निकाल लिया। और सेकेंड वायर मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा है उसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I2, देन हम कहेंगे फोर्स टोटल पूरे लेंथ पे कितनी फोर्स लगेगी, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला IBL साइन थीटा, आई की वैल्यू I2 होगी उस कंडक्टर वायर की जिसकी जिस पे हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो I2 मैग्नेटिक फील्ड जहाँ वो रखी है किस में है, B1 मैग्नेटिक फील्ड में, लेंथ हो गई उसकी L साइन 90। ओके, देन यहाँ से B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमने इसकी निकाल ली कि इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगी, उसकी वैल्यू हमने पुट की, तो ये हो जाएगा इसकी फोर्स ऑन टोटल लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ पे अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू F1 ले लिया, F' / L, तो L से डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट लेंथ का आ जाएगा, तो पर यूनिट लेंथ के लिए L से डिवाइड करो तो L कैंसिल हो जाएगा, देन ओवरऑल फॉर्मूला क्या आ गया, μ0/2πI1I2/R, I1I2/R। ओके, तो इसे इक्वेशन नंबर हम 1 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक फोर्स की वैल्यू आ गई। अब उसी तरीके से दूसरे वायर पे देखते हैं, दूसरे वायर के लिए हम यहाँ पे अब इसको आप नोट कर लो, देन अब दूसरे वायर के लिए हम करते हैं। अब अच्छा एक चीज़ आप देखो कि ये जो वाई वायर है इसमें I2 करंट फ्लो कर रही, तो ये भी अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी कि नहीं, मीन्स ये I2 करंट कैरिंग वायर है इसमें क्या हो रहा है, इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ड्यू टू द करंट, मीन्स करंट जब भी किसी वायर में पास करेगी क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो ये भी I2 वायर भी क्या कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल में। तो अब थंब रूल के अकॉर्डिंग देखो तो ऐसे, तो करंट डायरेक्शन देन ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी ऐसे होगा, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऐसे ऐसे होगी, तो यहाँ से ऐसे ये इंटर कर रही होगी, इधर से ऐसे बाहर ऐसे यहाँ पे घूम रही होगी। तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालें तो ये कहेंगे बिकॉज I2 करंट है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम कह देते हैं यहाँ पे B2 होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी R, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे निकलेगी इसकी वैल्यू ये होगी B2। और B2 की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए थंब रूल के अकॉर्डिंग, तो ये इधर से इंटर कर रही है और इधर से ऐसे बाहर निकल रही है। ठीक है, तो इधर से जब इंटर कर जाएगी, इधर से बाहर निकलेगी, तो इस पॉइंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड के लिए जो सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं ये क्या यूज़ करते हैं, ऐसे डॉट साइन, ये डॉट। ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मीन्स इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। ओके, ये हो गया B2। तो B2 की वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे कि इसमें लिखा था हमने B2 बराबर μ0/2π into करेंट, किसकी वजह से B2 मैग्नेटिक फील्ड हो रही, I2 की वजह से, सो I2 मैग्नेट करेंट बाई डिस्टेंस कितनी है R, ये हो गया B2 की वैल्यू। अब आप फिर से देख सकते हो कि जो X कंडक्टिंग वायर है ये कहाँ पे प्लेस है, ये भी एक करेंट कैरिंग कंडक्टर, बट ये कहाँ पे आ गई, B2 मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब इस पे भी क्या लगना है, फोर्स लगना है, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड रूल फिर से आप देखो, फोर फिंगर को कहाँ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन, एंड देन थंब क्या बताएगा आपको, फोर्स की डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे देखो, ये हमने फोर फिंगर को करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है ये, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर फिंगर रख दिया, देन करंट को हमने क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रही है, ये हो गया, देन थंब किस तरफ आ रहा है आप देख सकते हो, जस्ट इस डायरेक्शन में। तो आप कहोगे फोर्स जो इस पर लगेगा ये लगेगा F2, जो कि डायरेक्शन इसकी इधर होगी। तो ओवरऑल आप देख सकते हो दोनों पे फोर्स क्या हो रहे हैं, जस्ट अपोजिट लग रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ओके, देन F2 की वैल्यू अगर निकालें, F2 की वैल्यू, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मीन्स करेंट, हमें फॉर्मूला क्या पता, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर IBL साइन थीटा, देन F'2। तो इस पे जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं F'2 लिख देते हैं, F2 लिखते हैं जिस पे डैश लगा देते हैं, मीन्स टोटल लेंथ के लिए है ये। तो F'2 की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो I उस कंडक्टर की करंट लेंगे ना जिस पे कि हम फोर्स देखना चाहते हैं, तो फोर्स किस पे दिख रही लग रही है, F2 फोर्स इस करंट कैरिंग कंडक्टर X पे लग रही थी, X की करंट कितनी है I1, तो सो यहाँ पे I1 लिखेंगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे वो रखी है तो कितनी है, B2 है,
बी टू मैग्नेटिक फील्ड में रखिए, देन लेंथ इसकी एल, इसकी भी सेम, देन साइन, अब यहाँ भी ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, एफ टू डैश की वैल्यू फिर से आई वन, बी टू की वैल्यू यहाँ से फिर से हम प्लेस करेंगे म्यू टू आई टू बाई टू पाई आर, ये हो गया इन टू यल साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है एफ टू डैश। तो अब हम कहेंगे फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, एफ टू हमने मान रखा तो एफ टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ टू इज इक्वल टू पर यूनिट लेंथ के लिए हम यल से डिवाइड कर देंगे, यल से डिवाइड करोगे यल ये कैंसिल आउट, देन बच क्या रहा है म्यू नॉट अपॉन टू पाई इन टू, ये क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई, फिर देखो आई वन इंटू आई टू, आई वन बाई आई टू बाई डिस्टेंस कितना है आर, तो ये हो गया फिर से एफ टू की वैल्यू। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ओके क्लियर। अब इक्वेशन 1 एंड 2, अब ये आप देखोगे एफ वन और एफ टू की वैल्यू हम एक साथ लिख के देखते हैं, ये आपको क्लियर हो गया एफ टू की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू बाई आर, ओके मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा इसकी वैल्यू भी आ गई, मीन्स दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसी में करंट की डायरेक्शन एक में अपवर्ड कर दें दूसरे में डाउनवर्ड, तो आप देखोगे एक दूसरे को ये क्या करने लगेगी रिपेल करने लगेंगी, ठीक है। तो ये आप इसको करके देख लेना कि मतलब अगर हम एक की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी जिसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन, सो ये कंडक्टर इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि F1 की वैल्यू देखिए हमने फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ इसकी वैल्यू कितनी थी म्यू नॉट अपॉन टू पाई इंटू आई वन आई टू बाई आर, ये था। और F2 की वैल्यू हमने देखी मींस फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ यक्स वायर पे देखी, तो यक्स वायर पे भी इसी F2 की वैल्यू भी अभी हमने कैलकुलेट किया म्यू नॉट अपॉन टू पाई क्या हो गया आई वन आई टू बाई आर। तो इक्वेशन 1 हमने पहले इसको लिया था, इससे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड दोनों का क्या है सेम, यहाँ भी देखो दोनों सेम वैल्यू म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू बाई आर एंड यहाँ भी म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू बाई आर, ओके। तो इसका मतलब बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं एफ वन इक्वल टू एफ टू, मीन्स इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ये क्या होगा दोनों का सेम, इक्वल टू एफ ले लेते हैं, ठीक है। मीन्स ये दोनों जो फोर्स लग रहे हैं ये दोनों क्या होंगे इक्वल अमाउंट, जैसे आपका कुलाम सलाम में लगता है एक चार्ज दूसरे चार्ज को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसी तरीके से एकदम कुलाम फोर्स की तरह ही है। तो वहाँ पे क्या होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता था, बट यहाँ पे I1 I2 बाई आर है, आर स्क्वायर नहीं क्या है आर है, तो यहाँ पे उसी तरीके से फोर्स दोनों क्या है इक्वल है, मीन्स ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करे थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मीन्स इसने सपोज दैट इसको F1 फोर्स से खींचा तो ये भी क्या करेगा इसको F2 फोर्स से खींचेगा, जो कि मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट। देन तो ये F हो गया दोनों, तो F इक्वल टू हम कॉमनली क्या लिख सकते हैं दोनों में से कोई फॉर्मूला लिख दें हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन टू पाई इन टू सॉरी आई वन आई टू बाई आर, मीन्स किसी भी दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच जो फोर्स होता है इक्वल फोर्स दोनों पे लगते हैं, अट्रैक्टिव में भी रिपल्सिव हो सकते हैं डिपेंड करता करंट के डायरेक्शन पे, और इनके फोर्स जो होंगे उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है म्यू नॉट अपॉन टू बाई आई वन आई टू बाई आर, आर क्या है दोनों पैरेलल वायर के बीच का सेपरेशन है और आई वन आई टू क्या है दोनों करंट कैरिंग वायर की कंडक्टिंग वायर की करंट है, ओके। देन इस तरीके से ये आपका फाइनली डेरिवेशन कंप्लीट होता है, मींस फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, जिसकी इनफाइनाइट लेंथ हो। अब ये जो आपका फॉर्मूला है इसकी हेल्प से हम 1 एम्पियर करंट डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है, कि 1 एम्पियर करंट को डिफाइन कैसे करेंगे देखते हैं नेक्स्ट बच्चों। 1 एम्पियर करंट को अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर दो पैरेलल वायर लेंगे, ठीक है, दो पैरेलल वायर जिसमें करंट
सपोज ये I1 जैसा लिया और इसमें कितनी है I2, और दोनों के बीच की सेपरेशन क्या हो, R हो। तो हम यहाँ पे कहेंगे क्या बोल रहे हैं कि I1 की करंट और I2 की करंट, इसको अगर हम 1 एम्पियर कर दें, क्या कर दें हम बच्चों, 1 एम्पियर। यहाँ पे करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर, करंट हो गई दोनों में सेम सेम करंट, 1 एम्पियर यहाँ 1 एम्पियर यहाँ, और इनके बीच की सेपरेशन R जो है इसको हम 1 मीटर रखते हैं, और दोनों कहाँ वैक्यूम में प्लेस हैं, ठीक है, दोनों वैक्यूम, क्योंकि किसी मीडियम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, ठीक है। तो वैक्यूम के लिए हम बता रहे हैं कि दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर कहाँ पे वैक्यूम में प्लेस हो और दोनों के बीच की सेपरेशन क्या हो, 1 मीटर हो, ठीक है। देन करंट अगर 1 एम्पियर है दोनों वायर में, देन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ एफ की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू, फॉर्मूला क्या होता है, आई वन आई टू बाई आर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है, सॉरी ये 2 पाई होगी, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई वन आई टू बाई आर। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 to power होता है -7, बिकॉज हमने मैग्नेटिक कांस्टेंट म्यू नॉट अपान 4 पाई की ओवरऑल वैल्यू क्या बताई थी, 10 to power -7। तो ये ओनली म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10 to power -7। ओके, देन वहीं से हमने म्यू नॉट की सिर्फ वैल्यू रखी, ओके, अपान 2 पाई। तो यहाँ से ये 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 2, और आई वन आई टू की वैल्यू यहाँ पे 1 into 1 बाई डिस्टेंस भी 1 है, 1 meter square है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये हो जाएगी 2 into 10 to power -7 newton। तो बच्चों देखो 1 ampere करंट की डिफिनेशन क्या होगी, ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि 1 ampere करंट की डिफिनेशन मीन्स ये कह रहे हैं कि आप दो करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर लो जो कि एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल रखे हैं, और इनके बीच का सेपरेशन अगर हम 1 meter कर दें तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा, सपोज ये फोर्स लगेगा, तो फोर्स यफ की वैल्यू है, यफ की वैल्यू इतनी करंट दोनों से इक्वल, इतनी इक्वल करंट फ्लो करें जिसके लिए यफ की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 into 10 to power -7 newton हो जाए। तो आप कहोगे 2 into 10 to power -7 newton तभी लग सकता है जबकि दोनों में करंट कितना हो, 1 ampere हो, ठीक है। तो उस समय अगर फोर्स इनके बीच 2 into 10 to power -7 newton लग रही होगी तो आप कहोगे उस समय आपका जो करंट होगी, दोनों की करंट इन ईच कंडक्टिंग वायर हैविंग 1 ampere करंट, ओके, क्लियर हो गया। तो 1 ampere करंट की इस तरीके से डिफिनेशन आप, या 1 ampere करंट को आप डिफाइन कर सकते हो, क्लियर। देन इस तरीके से आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।